हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। सो आज का जो हमारा ये शॉर्ट वाला सेशन रहने वाला है, दैट विल बी बेस्ड ऑन आईसीसी वुमेन क्रिकेट 2022। यानी कि अभी जो आपने देखा था कि जो वर्ल्ड कप हुआ है वुमेन्स वाला, उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर किया जाएगा। बहुत ही शॉर्ट सेशन रहेगा, तो बहुत जल्दी जल्दी से इन सारी चीज़ों को रिकॉल कर लीजिएगा। यह आपका सिंपली रिविजन है। रीजन बींग कि इन सब के डिटेल्स ऑलरेडी हम आपको 7 बजे करेंट अफेयर्स में पढ़ा चुके हैं, जो कि आपका स्टूडियो चैनल पर ही होता है। तो चलिए ज़रा शुरुआत करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आप सब इसको रिवाइज कर लोगे। पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो आप अभी रिवीजन करने जा रहे हो, इसको एक बारी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा एंड डू लाइक द सेशन। पहला सवाल, कहा जा रहा है कि विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर किया गया, आपको कंट्री का नाम बताना है। तो कंट्री कौन सी हो जाएगी? न्यूजीलैंड के अंदर इसका आयोजन किया गया। गर्ल गैंग नाम का इसका ऑफिशियल सॉन्ग था, जिसको न्यूजीलैंड के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। यहाँ पे कतर लिखा हुआ है, कतर की कैपिटल दोहा हो जाएगी, जहां पर अभी हाल ही में फीफा का आयोजन किया जाएगा नवंबर में। और फीफा के लिए ध्यान दीजिएगा कि 2022 में इसका आयोजन होगा, पिछले साल 2018 में इसका आयोजन किया गया था। अगला सवाल, विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी हाल ही में खेला गया, ये कौन सा वाला एडिशन था, आपको एडिशन बताना है। तो ये एडिशन कौन सा हो जाएगा? 12th एडिशन था, जिसको यहाँ पर इस बार खेला गया था। आपको अगर ध्यान हो तो सबसे पहली बार जब इसको खेला गया था, तो उस टाइम पे इंग्लैंड के द्वारा इसको जीता गया था। लेकिन इंग्लैंड जो है वो टोटल 4 बार जीता है, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो टोटल 7 बार इसको जीत चुका है। हमारे देश के अंदर अगर देखा जाए तो BCCI ने अभी हाल ही में बोला है कि आने वाले समय में जो विमेंस हैं उनके लिए भी IPL जैसा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि कौन कौन सी दो टीमें थी जिनके बीच में पहला मैच खेला गया इस बार का। तो इसका आंसर होगा इंग्लैंड एंड बांग्लादेश के बीच में पहला मैच खेला गया था। कई बार आपने देखा हो तो पूछ लिया जाता है पहला मैच या फाइनल मैच या कौन से ग्राउंड पे, तो वो सब चीज़ें आपके लिए यहाँ पर कवर होंगी। अगला, कहा जा रहा है कि ये बताइए इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जिसके द्वारा विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 को जीता गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया, और इसमें रनर अप कौन रहा है, तो इंग्लैंड जो है वो इसके अंदर आपको रनर अप के रूप में मिलेगा। ध्यान देना कि इंडिया जो है, इंडिया का अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया के अंडर में, तो इंडिया जब ऑस्ट्रेलिया गई थी खेलने के लिए, तो वहाँ पर स्मृति मंधाना जिन्होंने पिंक बॉल से सेंचुरी भी बनाई थी। तो ये टॉपिक आपके लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक बार से इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। अगला, कितनी टीमें थी जिन्होंने इस बार के वर्ल्ड कप के अंदर पार्टिसिपेट किया, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी हो जाएंगी? 8। लेकिन अगर पूछा जाए इस बार के IPL में टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है, तो 10 हो जाएंगी। नेक्स्ट, कहा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑस्ट्रेलिया जो है वो कितनी बार ICC वर्ल्ड कप को जीत चुका है, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? 7 टाइम्स। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया वो कंट्री है जिसने सबसे ज़्यादा बार इस कप को जीता हुआ है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना इंडिया के बारे में कि मेंस वाली जो टीम है उसने 2 बार वर्ल्ड कप जीता है, एक बार 83 में, एक बार 2011 में। 83 के ऊपर तो मूवी भी बनी है रणवीर सिंह, जिसके अंदर आपको मिलेंगे, और उसको अभी हाल ही में अवार्ड भी दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड। अगला, वेयर वॉज द फाइनल मैच, फाइनल मैच जो है इसका आयोजन कहां पर किया गया, कौन से मैदान पर किया गया? तो इसका आंसर होगा हेगले ओवल, न्यूजीलैंड के अंदर। ध्यान दीजिएगा, देखो यहाँ पे फाइनल मैच की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा कि कहां पर, क्राइस्ट चर्च। मैम ये जगह तो हमने कुछ सुनी सुनी सी लग रही है। जी हाँ, क्राइस्ट चर्च नाम की जो जगह है, ये आपको न्यूजीलैंड के अंदर काफी फेमस प्लेस मिलती है, तो यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। अगला, हु वाज द एडजस्टेड द प्लेयर ऑफ द मैच एंड द टूर्नामेंट, यानी कि प्लेयर ऑफ द मैच या फिर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसको दिया गया? तो एलिशा हेली को इस खिताब से सम्मानित किया गया। इन्होंने सबसे ज्यादा रन जो है वो स्कोर किए थे। सबसे ज्यादा रन से दिमाग में क्या आएगा? जूलन गोस्वामी। जूलन गोस्वामी इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने अभी हाल ही में
250 नंबर ऑफ विकेट्स को पूरा किया है और इसको पूरा करने वाली ये सबसे पहली विमेन प्लेयर बन चुकी हैं और ये इंडिया से बिलोंग करती हैं। चलिए नेक्स्ट पे आइए, बताइए हाउ मेनी रन्स, इन्होंने कितने रन यहाँ पे स्कोर किए थे इस बार के पूरे टूर्नामेंट में, तो आंसर क्या होगा 509 रन इनके द्वारा बनाए गए। अगला, व्हेन वाज द फर्स्ट विमेन क्रिकेट कप प्लेड, सबसे पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ये कब खेला गया, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 73 में सबसे पहली बार खेला गया था। और ये ध्यान रखिएगा नेम ऑफ द कंट्री, नेम ऑफ द कंट्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए, इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जिसने पहली बार वर्ल्ड कप को जीता था विमेंस वाला, इसका करेक्ट आंसर इंग्लैंड, अभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस ऑफ आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो विनिंग टीम है उसको कैप्टन करने वाली इसमें से खिलाड़ी कौन सी हैं, आपको खिलाड़ी का नाम बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताली राज। मिताली राज वो भी प्लेयर हैं जिन्होंने टोटल 10,000 रन्स को पूरा किया हुआ है एंड शी इज अ इंडियन, और आपको ये पता ही होगा कि इंडिया की जो विमेंस टीम है उसकी कैप्टन के रूप में काफी लंबे समय तक रह चुकी हैं। चलिए अगला सवाल, हु हैज बिकम द हाईएस्ट विकेट टेकर, सबसे ज्यादा विकेट आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के अंदर किसके द्वारा लिए गए हैं, जुलन गोस्वामी, नंबर ऑफ विकेट्स कितने हो गए 250, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताइएगा कि कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं। अगला, हु हैज बिकम द फर्स्ट विमेन क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू प्ले सिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिताली राज, अगेन इंडियन। अगला, विच टीम हैज वॉन द आईसीसी विमेन चैंपियनशिप इन 2017, 2017 में इसको किसके द्वारा जीता गया था, तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा इंग्लैंड ने इसको जीता था। नेक्स्ट, बाय हाउ मेनी रन्स डिड ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड, जो अभी फाइनल मैच हुआ था उसमें ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था, तो कितने रनों से इनको हराया, तो आंसर 71। ये मत सोचना कि ऐसे सवाल पेपर में नहीं आते हैं, ये सब पेपर में आता है, इसीलिए मैंने इसको अलग से कवर किया है सो दैट आपका एक रिविजन भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2022 में इंडिया वॉज डिफीटेड बाय, यानी कि हमारी टीम जो थी वो काफी पहले ही बाहर हो गई थी। सवाल में कहा जा रहा है कि ये बताइए कि कौन सी टीम ने इंडिया को हराया था, तो साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को हराया था। अगला, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज लॉस्ट होस्ट आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप, इंडिया ने टोटल कितनी बार आईसीसी विमेन वर्ल्ड कप को होस्ट किया है। देखिए, अगर आपसे मेन वाला पूछा जाएगा तो 2023 में इंडिया में होगा और 2031 में इंडिया और बांग्लादेश में होगा मेंस वाला, ये विमेंस की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर है 3 बार इंडिया ने इसको यहाँ पे होस्ट किया हुआ है। अगर ये सब चीज़ें आपके लिए नई नई और पहली पहली बार हैं तो देखो यार, इन सब का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम 7 बजे करेंट अफेयर्स में पढ़ाते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे ही, तो प्लीज़ उस क्लास को ज़रूर देखा करो, क्योंकि जो रिविजन के क्लासेस होते हैं ना वहाँ पे वही पूरी न्यूज़ उसको दोबारा से पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जब तक आप डेली एनालिसिस नहीं देखोगे तब तक आपको दिक्कत आती रहेगी। चलिए, विच विमेन क्रिकेटर हैज बीन नेम द रिकॉर्ड क्या मोस्ट विकेट टेकर, जुलन गोस्वामी, मतलब दोनों तरफ से भी आप देखोगे तो जुलन गोस्वामी है। अगला, कहा जा रहा है सबसे ज्यादा रन विमेन क्रिकेटर, इसका आंसर क्या होगा देवई हॉकली, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार का जो ये वर्ल्ड कप हुआ था उससे जितने सवाल बन सकते थे सारे सवाल आपके लिए बना दिए गए, आई होप कि आपने हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। ये छोटा सा आपका रिवीजन का पार्ट था जहाँ पे मैंने आपका इस बार का आईसीसी पूरा कवर कर दिया। नहीं देखा है तो भैया देख लिया करिए, क्लासेस को ज़रूरी होते हैं। अभी आपसे 7 बजे मुलाकात करेंगे, लेकिन प्लस के बैच के बारे में आपको बता दें, नया बैच स्टार्ट हो चुका है SSC का, जिसके अंदर अगर आप देखें तो आप रेलवे के स्टूडेंट हो तो भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्टेट PSC है तो भी ज्वाइन कर सकते हो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, GS, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GK, एनीथिंग, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बैच अभी 6 तारीख से स्टार्ट हुआ है। आज का डाउट भी है, टेस्ट सीरीज भी है, आइकॉनिक फीचर भी है, रेज योर हैंड भी आपको मिलता है। और ये ध्यान दीजिएगा कि जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर 1 साल 2 साल के लिए आप जब ज्वाइन करोगे तो कोड यहाँ पर प्रति 10 यूज होगा, जिसके बाद में जो आपके अमाउंट है ये 10% डिडक्ट हो जाते हैं। और आप EMI में भी इसको पे कर सकते हो 325 रुपये के हिसाब से, तो इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपका कोई भी सेक्शन मिस ना हो।
रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है। चलो तो मिलते हैं आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय, टेक केयर।